हेलो गाइज, मेरा नाम सुभाष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हो टेक सुभाष। आज के इस वीडियो में आपको दीपावली की प्रोस्क्रिप्ट देने वाला हूँ ब्लॉगर के लिए। अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी प्रोस्क्रिप्ट कैसी है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इसे डाउनलोड करना है या फिर नहीं करना है। तो आप देख सकते हो ये मेरा जो व्हाट्सएप ओपन है, और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि मेरी व्हाट्सएप में एक मैसेज आया है ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो सुभाष ने आपको गिफ्ट भेजा है, ब्लू लिंक पर क्लिक करके देख लो। आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो वेबसाइट है वो blogspot.com से बनी है, यानी ब्लॉगर पर आपको देखने को मिल जाएगी ये वेबसाइट। आपको इस पर क्लिक करना है लिंक पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद बेसिकली हमें किसी भी ब्राउजर में इसे ओपन करना है। यहाँ पर हम अपने ब्राउजर में इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो काफी प्रीमियम लुक आपको देखने को मिल रहा है, और ये बोल रहा है कि गिफ्ट को टच करो। गिफ्ट भी एनिमेशन कर रहा है, तो इस गिफ्ट पे हमें क्लिक करना है। तो गाइज आपने देखा कि मैंने जैसे ही क्लिक किया उस गिफ्ट पे, तो आपको देखने को मिला कि ये जो है गाना शुरू हो गया, प्ले हो गया अपने आप ही। मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने ही जो देखने को मिला है कि गाना प्ले हो गया उस गिफ्ट पे क्लिक करते। यहाँ पर जो नाम आ रहा है सुभाष, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, लेकिन कोई बंदा अगर मोबाइल से देखता है तो उसे सही से दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सुभाष नाम भी देखने को हमें मिल रहा है। देख सकते हो ये सुभाष नाम भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की ये स्क्रिप्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है GIF लगाई गई है, काफी एनिमेशन कर रही है, और यहाँ पर लिखा गया सुभाष की तरफ से हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। उसके बाद एक जो पोइम लगाई गई है, काफी जो प्रीमियम लुक देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर दो इमेजेस लगाई गई है जो GIF में है, इमेज नहीं है, GIF है, और यहाँ पर लिखा गया हैव ए शेप दीपावली। अब काफी कमाल का प्रीमियम लुक देखने को मिल रहा है। अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर अपना नाम डाल सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर डालकर दिखा देता हूँ, अजनबी, कोई भी नाम डाल सकता है। उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो नाम है वो उस बंदे का नाम हो जाएगा जिस बंदे का ये है। आप देख सकती हो अभी सुभाष था, अभी यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर लिया तो सुभाष आ गया। अभी जो बंदा लिख के ओके करेगा, गो करेगा, तो उस बंदे का नाम आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है, और व्हाट्सएप पर कैसा आएगा आपने शुरुआत में देख लिया होगा। अब बात करते हैं इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा। अब देखिए गाइज, ये प्रो वर्जन की स्क्रिप्ट है, तो मैं आपको ये फ्री में तो दे नहीं सकता। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आने वाले घंटे को दबा दीजिए, और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो और ये स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। फ्री में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये काम आपको करना है, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लाता हूँ, तो ये तो आपको करना ही चाहिए। वैसे बाय द वे फ्री ही है, तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इजीली जो हो इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो हो ये ड्राइव में ओपन होगी कुछ इस तरीके से, तो आपको ड्राइव में ओपन कर लेनी है। जैसे आप ड्राइव में इसे ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये ड्राइव में भी कुछ इस तरीके से ओपन होगी, लेकिन ये ड्राइव में वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हो कि ये सिर्फ डोमेन पे ही वर्क करती है ना। तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन दिखाई देगा थ्री डॉट्स का, आप देख सकते हो ये थ्री डॉट्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने जो हो बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बाय द वे आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये जो बटन है ना ओपन विथ का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी HTML एडिटर एप्लीकेशन होगी या फिर ब्राउजर होंगे वो आपको शो हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको इस जो स्क्रिप्ट है वो जो HTML एडिटर में ही ओपन करनी है, क्योंकि HTML एडिटर के बिना ये सपोर्ट नहीं करेगी। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूँ यश नोट एडिटर का। आप भी मेरे रिकमेंडेड के अनुसार इसी का ही यूज करें। इसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी मैंने, तो वहां जाकर इस जो यश नोट एडिटर को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये सारी की सारी कोडिंग है वो यश नोट एडिटर में ओपन हो गई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकती हो यहाँ पर ये जो ग्लोबल साइट टैग है, यहाँ पर आपको अपना जो ग्लोबल साइट टैग है यानी कि गूगल एनालिटिक्स का कोड वगैरह डालना है। अब क्यों डालना है, कैसे डालना है, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल जान सकते हो। उसके बाद आपको कहीं भी यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है, इसमें कोड है, इसमें कहीं भी अपनी वेबसाइट का URL नहीं देना है, क्योंकि जिस वेबसाइट पर ये लगेगी ऑटोमेटिक उसका URL ये कैच कर लेगी, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो इस स्क्रिप्ट का आप यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक वो ले लेगी और आपकी ही जो वेबसाइट का प्रचार करेगी।
अब बात आती है कि इसमें ऐड कैसे लगाई। तो ऐड लगाना सिंपल है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स मिलते हैं, देखिए ये थ्री डॉट्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर कीवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, तो आपको कीवर्ड डालना है एडसेंस, क्योंकि एडसेंस के हम कोड लगा रहे हैं, तो एडसेंस डालना है। उसके बाद सर्च करना है, सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया एडसेंस वन, यानी कि यहाँ पर आपको एडसेंस का एड कोड लगाना है। अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, विशिंग वेबसाइट से पैसे कमाना चाहते हो, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं कि एडसेंस के अलावा आप कौन से एड नेटवर्क के यहाँ पर एड लगाकर पैसे कमा सकते हो। उन सारी वीडियो की, तीन चार वीडियो हमने बना के रखे हैं, उन सारी वीडियो की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आगे का प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पर एड लगाने वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके एड कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये एडसेंस वाला एक हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक तीर का सा जो ऑप्शन है एरो का, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एडसेंस टू, यहाँ पर आपको एडसेंस का जो अगला कोड है वो पेस्ट करना है। इतना होने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा, अभी कुछ नहीं करना है, जो आगे का काम है ये स्क्रिप्ट अपने आप कर लेगी। अब कहीं पर भी लॉन्ग फ्रेज कीजिए, लॉन्ग फ्रेज करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेलेक्ट ऑल का, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है। सेलेक्ट ऑल का इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिए पूरे कोड को। अब जाना है आपको अपने ब्लॉगर में, चलिए ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चले जाते हैं। ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए थीम का, थीम पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। अब देखिए अगर आपको विशिंग वेबसाइट नहीं बनानी आती तो जो आप इस पेज पे नहीं आओगे ये है क्लासिक थीम का ऑप्शन, इस पेज पे नहीं आओगे कहीं और चले जाओगे। बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई एरर आ रहा है, इतनी लाइन में एरर आ रहा है, इतनी लाइन में एरर आ रहा है, तो भाई आएगा ही। आप थीम के HTML, जो हमारी मेन थीम होती है, उसके HTML में चले जाते हो तो वहां तो एरर आएगा ही। आपको काम करना यह है कि आपको सबसे पहले विशिंग वेबसाइट बनानी सीखनी है, अगर आपको नहीं आती तो सीखोगे कैसे, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की जिसमें मैंने आपको ब्लॉगर पर विशिंग वेबसाइट बनानी सिखाई है ना। सिंपली वहां पर आना है, उसके बाद आपको सीख जाओगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। उसके बाद जो कॉपी किया था उसको लॉन्ग फ्रेश करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एडिट थीम HTML, यहाँ आना है और लॉन्ग फ्रेश करोगे, लॉन्ग फ्रेश करने के बाद सेलेक्ट ऑल करोगे और यहाँ से डिलीट कर दोगे जो भी कोड होगा। उसके बाद फिर से लॉन्ग फ्रेश करोगे और पेस्ट कर दोगे, उसके बाद जो है यहाँ से सेव कर दोगे। सेव हमने कर दिया, बाकी कुछ काम हमें नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सेव हो गया हमारा। सेव होने के बाद इसको जो है ओपन करके देखेंगे सही से ओपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। व्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, व्यू ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा और फिलहाल ये बोल रहा है कि गिफ्ट को टच करके देखो। गिफ्ट को टच करते हैं हम, तो गाइज वॉल्यूम मैंने कम कर दिया क्योंकि आप समझ सकते हो कॉपीराइट का मसला आ सकता है। तो इस तरीके से ये जो है विशिंग वेबसाइट हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, पास में आने वाले घंटे को दबा देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।